काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको बताते चलें कि 10 जुलाई को मतदान हुआ था, बीजेपी के उम्मीदवार कमलेश शाह और कांग्रेस के उम्मीदवार धीरन शाह हैं, जबकि गोंगपा से भी एक उम्मीदवार चुनावी मैदान में, और ये त्रिकोणीय मुकाबला कहा जा रहा है। बहरहाल देखना यह होगा अंशिका कि ये मुकाबला जीतकर अपनी साख कौन सिद्ध करता है, यहाँ जहाँ कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही ने अपने अपने प्रत्याशी चुनकर उतारे। हालांकि बैकग्राउंड देखा जाए पॉलिटिकली तो दोनों का कांग्रेस से ही है। बिल्कुल, और ये देखना बहुत खास होगा कि बैकग्राउंड तो है कांग्रेस का, लेकिन अब क्योंकि कमलेश साहब बीजेपी में शामिल हो चुके, बीजेपी से वो चुनाव लड़े, बीजेपी ने उनको अपना कैंडिडेट बनाया, तो क्या जनता भी इस चीज को एक्सेप्ट करती है और उसी तरह की जीत कमलेश शाह की होने वाली है जो 2023 के विधानसभा चुनाव में हुई थी। इसके थोड़ा सा इंतजार करना होगा क्योंकि 8 बजे से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 10 जुलाई को ही मतदान हुआ था और बीजेपी के उम्मीदवार है कमलेश शाह, तो दूसरी तरफ धीरन शाह कांग्रेस के उम्मीदवार है। अमरवाड़ा उपचुनाव का परिणाम होना है जारी, अब देखना है अमरवाड़ा से किसकी है बारी जीतने की। और यहाँ पर जो प्रचार अभियान चला, मीटिंग्स चली और बड़ी बड़ी रैलियां हुई, देखना होगा कि उनका क्या फलता परिणाम निकल रहा है। 10 जुलाई को हुए मतदान के बाद आज मतगणना, और साथ ही इस पर रिजल्ट आएगा, उम्मीदवार कौन जीता, क्या कमलेश शाह या धीरन शाह, ये देखने का विषय होगा। हालांकि 8 बजे से प्रशासनिक जानकारी मिल रही है कि 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, अब से ठीक एक घंटे बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी, और काउंटिंग को लेकर हर राउंड की अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। और बीजेपी, कांग्रेस, गोंगपा और निर्दलीय जो भी प्रत्याशी यहाँ से चुनावी मैदान में उतरे हैं, बहरहाल मुकाबला त्रिकोणीय माना जा रहा है और सीधे तौर पर जो टक्कर है वो दो पार्टियों के बीच है, जिसमें कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। और 10 जुलाई को हुए मतदान का आज आना है परिणाम, देखना है जनता जनार्दन अमरवाड़ा की ने किसको चुना है यहां से अपना जनप्रतिनिधि। अमरवाड़ा उपचुनाव का आज परिणाम जारी होगा और शैलेंद्र भदौरिया से बात करेंगे हमारे सहयोगी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, आज का दिन अहम और खास दिन है बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही के लिए, साख का अगर विषय देखें तो। बिल्कुल आशीष, आपने ठीक कहा कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए आज बेहद खास दिन है और साख की बात भी है, क्योंकि देखिए अमरवाड़ा में उपचुनाव हो रहा है और उपचुनाव में किसकी जीत होगी ये बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जिस तरीके से देखिए अगर मैं बात करूं, अमरवाड़ा जो है परंपरागत तौर पर कांग्रेस की सीट मानी जाती थी, लेकिन कमलेश शाह जो कांग्रेस के टिकट पर तीसरी बार मैदान में थे लोकसभा चुनाव के ठीक पहले, उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है और अब बीजेपी की तरफ से वो चुनावी मैदान में है। अगर मैं कांग्रेस की तरफ से बात करूं तो धीरेन्द्र शाह जो आंचलकुंड दरबार से जुड़े हुए हैं उनको पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया, कमलनाथ के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनको वो मैदान में। लेकिन अगर तीसरी अगर दल की बात करूं तो जीजीपी, उसे हल्के में लेना बिल्कुल ही दोनों राजनीतिक दलों के लिए गलती का सबब होगा, क्योंकि जिस तरीके से हमने लोकसभा चुनाव में देखा यही वो प्रत्याशी थे जो नकुलनाथ के सामने तीसरी पार्टी के तौर पर थे, लगभग अच्छे खासे वोट उन्होंने जो लिए थे और वही जो जितने वोट उन्होंने लिए वही जो है वो भी कांग्रेस की हार का कारण भी बना। तो देखिए जीजीपी को आप उस इलाके में कहीं से भी हल्के में नहीं ले सकते, हालांकि प्रारंभिक दौर में कांग्रेस ने तमाम प्रयास किए थे कि जीजीपी के साथ गठबंधन हो जाए और जीजीपी का प्रत्याशी मैदान में ना उतरे, लेकिन बात नहीं बनी थी और यही कारण है कि वहां त्रिकोणीय मुकाबला अब देखने को मिल रहा है। देखिए कांग्रेस के लिए साख का सवाल इसलिए भी है कि हाल ही में लोकसभा का चुनाव जो है वो नकुलनाथ हारे हैं और ऐसे में अगर मैं विधानसभा के लिहाज से अगर देखूं तो 7 की 7 सीटें जो है वो कांग्रेस ने जीती थी और यदि परंपरागत सीट को कांग्रेस हारती है तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि रिजल्ट्स क्या आएंगे और किसके पक्ष